हाय फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग। तो मेरा ब्लॉग शुरू हुआ सुबह के लगभग अभी 5:30 हो रहे हैं, और अभी जो अपने खेतों में आए हुए हैं, यहाँ पे जो हमारे घर से दूर खेत है, तो हमारे एक प्लॉट था बचा हुआ खेत, तो उसमें भी हमने टमाटर लगाने हैं। तो इस खेत में लगभग हमारे 900 पौधा टमाटर का लग जाएगा, तो हमने उसी को लगाने की तैयारी करनी है। तो ये है हमारा खेत, यहाँ पर ऐसे आधे खेत में हमने इसमें हल्दी लगा रखी है, और बाकी जो है इस तरफ को इसमें हमने टमाटर लगाना है इस खेत में। चलो, अब मैं इसकी साइडें बना रहा था, उसके बाद मैंने इसमें लाइनें भी लगा लेनी है टमाटर लगाने के लिए। टमाटर वैसे एक दो दिन में लगाने, हम ये तैयारी कर रहे हैं इसको लगाने की। चलो करते भी शुरू आगे काम। और तो खेतों की साइडें बनाने के बाद मैंने इसमें लाइनें लगा दी थी, और उसके बाद मैंने निशान लगा दिए टमाटर। हम कुछ इस तरीके से कुदाली के साथ निशान लगा के उसमें क्यारी जैसी बना लेते हैं। तो हमने पहले सोच रखा था कि कल परसों तक लगाएंगे शायद टमाटर, पर हमने काफ़ी काम आज हो गया है, क्योंकि साथ में भाई भी आ गया था, तो हम यहाँ खोरे करने लगे हैं, तो हमारे थोड़ी रहते करने को, तो हमने आज ही शाम को इसमें टमाटर भी लगा लेने हैं। हाय फ्रेंड्स, अभी सुबह के 6:30 हो रहे हैं, और हमने अपने इस खेत में टमाटर लगा ली है, और अभी इसको लगाया हुआ दूसरा दिन है, और अभी जो हम इसकी सिंचाई कर रहे हैं। तो ये टमाटर जो है पापा जी ने शाम के टाइम लगा लिए थे, पापा जी मम्मी जी वगैरह ने, क्योंकि ठंड के मौसम में ज़्यादा बढ़िया रहता है, सुबह शाम जैसे ठंड होती है, दिन में काफ़ी गर्मी पड़ रही है आजकल, तो ऐसी गर्मी में टमाटर खेतों में पौधा उगाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो जब खेत थोड़े ठंडे हो जाते हैं तो उस टाइम लगाना ज़्यादा बढ़िया रहते है। और उसके बाद हमने शाम को भी इसकी सिंचाई की थी, बाकी अभी सुबह के टाइम हमने इसकी सिंचाई एक बार और कर ली है, बाकी 2-3 दिन हमने कंटिन्यू ऐसी इसकी सिंचाई करनी है सुबह शाम, उसके बाद फिर एक दिन छोड़ के ऐसी हम सिंचाई करते हैं। और उसके बाद मैं आपको भी ऊपर दिखाऊंगा हमारे खेत, जिसको लगाए हमारे लगभग 2 हफ्ते हो चुके टमाटर को, तो उसको भी हम अब 3-4 दिन बाद पानी दे रहे हैं। तो ये है हमारे टमाटर, यहाँ मैंने खीरे के बीज भी लगा रखे जो उग चुके हैं, तो खीरे मैंने मैक्सिमम यहाँ हरे खेत में लगा रखे हैं साइडों में, क्योंकि हमारे जो खेत की साइड होती है वो काफ़ी उसमें कुछ घास ही होता है, बाकी कोई फसल नहीं हो पाती है, तो उसमें जो बेलें चढ़ जाती है आराम से। तो ये जो है हमारे टमाटर का खेत है, तो इसको लगाए 2 हफ्ते हो चुके हैं, और इन टमाटरों में जो हमने एक बार खुराड़ दे दिया है, और खुराड़ देने के बाद अब 3-4 दिन बाद हमने इसमें वोलिए लगा लेनी है, क्योंकि जो जो काम निपट जाए साथ में ज़्यादा अच्छा रहता है, नहीं तो हमने लगभग जितना भी काम है हम खुद ही करते, परिवार के लोग सब मिलजुल के काम, लेबर वर्क कोई नहीं होता कि बाहर से कोई लेबर करने के लिए आएगी, क्योंकि अगर लेबर लगाएंगे तो हमारे को बचेगा क्या, इस वजह से जितना भी काम होता है थोड़ा बहुत हम खुद ही करते हैं परिवार के सभी लोग मिलके। तो हमने यहाँ इसमें 2-3 दिन में वलिए लगा लेनी है, तो जैसे ही फिर उसके बाद टमाटर ग्रोथ करता रहेगा, हमने इसमें डोरिए बांधते रहना है साथ साथ। तो फ्रेंड्स, आज मैं अपनी वीडियो का एंड भी यहीं कर रहा हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो मिलेंगे आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।